पांचजन्य के मन के सबसे निकट रही वो एक लड़ाई आज हम उसकी बात करेंगे। मुझे याद है हम लोग स्कूलों में होते थे और उस समय पांचजन्य जब आता था और राम मंदिर का जो पूरा संघर्ष था, आंदोलन था, उसने कैसे आकार लिया, उसकी सारी खबरें हमें मिलने का स्रोत एक ही होता था, उसे हम बढ़ते हुए देख रहे थे। मैं मानता हूं कि इस पूरे इतिहास का जो सबसे बड़ा घटनाक्रम है इस सदी का, उसे बताने के लिए आज कोई अधिकृत व्यक्ति है तो चंपत जी से बड़ा अधिकृत व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। चंपत जी, मैं जो लाखों दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए, लोगों ने कहा कि पीढ़ियां बदल गई हैं, मगर इस आंदोलन ने इसका बीज कैसे पड़ा? 500 साल पुरानी बात होती है, मगर कैसे ये आंदोलन बढ़ा, कैसे लोग जुड़े, कैसे आकार लिया, वो पूरी यात्रा मैं आपसे संक्षेप में पहले सुनना चाहूंगा, फिर हम आगे और क्रम बढ़ाएंगे। सभी श्रोताओं को मैं अपना हार्दिक नमन प्रस्तुत करता हूं। कुछ बातें तो इतिहास की है, 1528 से लड़ाई का प्रारंभ होना, 75 लड़ाइयां, 1934 की लड़ाई, 1949 में उस पर हिंदू समाज ने अपना अधिकार कर लिया, रामलला अंदर स्थापित कर दिए, तीन गुंबदों वाले ढांचे के अंदर सरकार ने ताले डाल दिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ताले के बाहर से पूजा चलने लगी, अदालत की एक प्रक्रिया शुरू हो गई 1950 में और ये 1983 तक चलती है। ये सामान्य बात है, जो पुरानी बातें हैं। महत्वपूर्ण बात है कि 20वीं शताब्दी के आखिरी दिनों में हिंदुस्तान के 3 लाख गांव, करोड़ों घर इससे ग्रेजुएट हो, सारा हिंदू समाज अगड़ाई लेकर खड़ा हो गया। ये कैसे हुआ? राष्ट्र जग गया, मानो एक शेर सो रहा था वो जाग गया। मैं ले चलूंगा 1983, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी कोने में मुजफ्फरनगर नाम का एक स्थान है, व्यापारिक मंडी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ कार्यकर्ताओं ने मिलकर हिंदू जागरण मंच नाम का एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर लिया, जो समाज की समस्याओं को आवाज देने लगा। जगह जगह सम्मेलन करते थे, लोग बोलते थे और समाप्त हो जाती थी बात। ऐसा ही एक सम्मेलन मुजफ्फरनगर में हुआ था मार्च 1983 में। उस तो सम्मेलन में ऐसे तमाम लोगों को बुलाया जाता था जो हिंदू समाज के सम्मान और स्वाभिमान पर रुचि रखते थे। स्वाभाविक ही संघ के कार्यकर्ताओं ने आयोजन किया था, तो उन्होंने उस समय संघ के वरिष्ठ अधिकारी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिनको हम श्रद्धा भाव से रंजू भैया कहते थे, आए थे। मैं उन दिनों बगल के जिले में संघ का कार्य देखता था देहरादून। आयोजकों ने कांग्रेस के दो बड़े नेताओं को आमंत्रित किया था, सारा देश जानता है गुलजारी लाल नंदा,
भारतवर्ष में दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे और दूसरे कांग्रेस के बड़े नेता थे मुरादाबाद के दाऊदयाल खन्ना। दाऊदयाल खन्ना ने जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने समाज का आह्वान कर दिया, देश की आजादी को इतने साल हो गए हैं, अयोध्या मथुरा काशी मुक्त कराओ। ये 20वीं शताब्दी के अंत की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। सब सकपका गए, एक बूढ़ा आदमी क्या बोल रहा है। 5 बार कांग्रेस की ओर उत्तर प्रदेश सरकार में चंद्रबाबू गुप्त जो मुख्यमंत्री थे तब वो स्वास्थ्य मंत्री रहे, सम्मेलन खत्म हो गया, अशोक सिंगल को कहा गया भाई जाओ बाबूजी ने क्या कहा है। मैं कहूंगा यहां से इस विषय का, इस शताब्दी का बीज पड़ा। बाबूजी के पास लोग गए मिलने अशोक सिंगल और बाबूजी से बेबाकी के साथ बात की, बाबूजी आप कांग्रेस में हैं, इंदिरा जी आपको बुलाकर कहेंगी बंद करो तो आप तो पीछे हट जाएंगे। बाबूजी ने इंदिरा जी को चिट्ठी लिखी और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तब ये बात आई कि ये बात, ये विषय हिंदुस्तान के हजारों साधुओं को पहले समझाया जाना चाहिए। एकदम दूसरी घटना की ओर इंगित करता हूं। दिल्ली में विज्ञान भवन है, 7 अप्रैल 8 अप्रैल 1984 संपूर्ण भारत, सभी भाषाएं, सभी राज्य, देश की हजारों प्रकार की आध्यात्मिक परंपराएं के संत महापुरुषों को इकट्ठा किया गया। 600 के लगभग संख्या आई। दाऊदयाल खन्ना को पुनः बुलाया गया, अपनी बात रखने के लिए कहा गया, फिर से ये बात रखी गई, संतों ने इसको स्वीकार कर लिया, जयघोष हुआ। ये दूसरी घटना। तीसरा विचार, अशोक सिंगल अयोध्या आए, साधुओं को इकट्ठा किया गया, 40-50 साधु आए। एक साधु ने ये कहा लोग राम जन्मभूमि के नाम पर पैसा इकट्ठा करने आते हैं। अशोक जी बातों को काटते नहीं थे, उत्तर भी जल्दी नहीं देते। बात सुनी गई और वहीं पर यह विचार हुआ राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बने, की अध्यक्षता के लिए गोरक्षपीठ के महंत अवेदनाथ जी को निवेदन किया गया टेलीफोन से, पर स्वीकार कर लिया। उन्हीं के शिष्य योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री, महामंत्री उन्हीं दाऊदयाल खन्ना को बनाया गया। कालांतर में विचार हुआ कि मथुरा काशी का क्या होगा, तो राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का नाम बदलकर धर्म स्थान मुक्ति यज्ञ समिति कर दिया गया। अगला स्तर, उत्तर प्रदेश जानता ही नहीं कि अयोध्या में जन्मभूमि की क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश नहीं जानता हिंदुस्तान कैसे जानेगा। तो एक 4 पहिया गाड़ी के चेसिस पर लकड़ी का मंदिर बनाकर भगवान राम का विग्रह स्थापित करके उनके बारे ताला डाल दिया गया। सीतामढ़ी जहां भगवान माता सीता जन्म ली वहां पूजन हुआ। 7 अक्टूबर 1984 को मूर्त अयोध्या, हजारों युवकों ने सरयू का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया राम जन्मभूमि को मुक्त कराएंगे। रथ लखनऊ की ओर से चलता हुआ दिल्ली पहुंचना था। 20 अक्टूबर को जब वो गाजियाबाद ही पहुंचा था, देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। राष्ट्रीय शोक और वो रथ भी 1 साल के लिए रोक दिया गया, राष्ट्रीय शोक। 1985 की अक्टूबर में संतों ने विचार किया एक रथ से देश नहीं जगेगा, तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 6 रथ घुमाए गए। इतना जबरदस्त जन जागरण हुआ कि अयोध्या के एक वकील ने जिला अदालत में प्रार्थना पत्र दिया कि राम जन्मभूमि पर ताले लगे हैं, ये ताले इलीगल है, इन्हें खोला जाए। फिर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे,
बहादुर सिंह बहन तवेदनाथ जी की गोरखपीठ के शिष्य उनका महाराज कानून हाथ में मत लेना। जिला अदालत ने उस वकील की एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थे करमवीर सिंह, सरदार करमवीर सिंह, उनको पूछा था अगर हम ताला खुलवा दें तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा। सरदार करमवीर सिंह ने उत्तर दिया था आप जो चाहे आदेश दें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारा काम। और इस प्रकार जिला अदालत के आदेश से ताले खुल गए, देश में उत्साह आ गया और ऐसा विश्वास जग गया कि इस स्थान पर देश के अपमान का परिमार्जन करने वाला मंदिर अब बन सकता है। ये एक प्रकार से कड़ी है और ये आंदोलन विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से उन लोगों के हाथ में आ गया जो लोग देश के गौरव और हिंदू के गौरव में ही भरोसा रखते। चंपत जी, एक चीज अभी जब आपने बोली, हमारे जो साइड विंग्स इस समय जो लोग देख रहे हैं, दाऊदयाल खन्ना जी का नाम हमने नींव के पत्थर के तौर पर, 1983 वो बहुत महत्वपूर्ण समय था, एक कांग्रेस में रहकर भी देश के समाज के मन में क्या चल रहा है उसके साथ खड़ा होना। मैं एक और नाम लूंगा अभी, उत्तर प्रदेश के उस समय जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी, अभी वो दिवंगत हुए, विष्णु अवतार श्री राम प्रभु उनकी आत्मा को सदगति दें। एक तरफ राजनीति और दूसरी तरफ जनांदोलन और दूसरा धरती से कटे हुए लोग, उन्हें आप कैसे देखते हैं? और कांग्रेस की परंपरा में भी मैं कहूंगा नेहरू जी के समय पर भी स्थानीय, जिन्हें कहते हैं प्रशासकों को जुड़ाव नहीं होता, वो प्रशासक स्टैंड लेते हैं मंदिर के लिए, वो जानते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। नेहरू जी नहीं लेते, इंदिरा जी नहीं लेती, राजीव जी का शाहबानों वाले मामले में भी और आगे भी एक स्टैंड दिखाई देता है। फिर वो राजनीति खुद को अप्रोप्रिएशन के लिए हिंदू मुद्दों के साथ, राष्ट्रीय मुद्दों के साथ जुड़ने की कोशिश करती है। इस राजनीति के चरित्र को क्या देखते हैं और जनभावना, जनज्वार आपने बहुत निकट से देखा है, आपका कैसा आकलन है? देखिए, राजनीति लोकतंत्र है, राजनीति जनता के आधार पर चलती है। किसी को कल्पना ही नहीं रही होगी कि राम लोगों के हृदय में निवास कर रहे हैं और इसलिए जब ताला खोलने के लिए रथों ने भूखना शुरू किया और उत्तर प्रदेश में अग्नि फैली तो अग्नि तो हृदय के अंदर फैली। ये जोश में प्रकट हुई, कहीं ना कहीं राज्य सत्ता में ऐसे लोग थे राजीव गांधी के सलाहकार जिन्होंने कहा संपूर्ण समाज की भावनाओं को टच करना चाहिए, यह जरूर हुआ। लेकिन अगर वो प्रकट होते तो दूसरा भय किसी ने पैदा किया, एक मुस्लिम वोट बैंक हम चला जाए। इसलिए वह दोनों प्रकार के लोग रहे। सरदार बूटा सिंह, उनका बहुत बड़ा योगदान है, मैं उनके योगदान को स्मरण करके बताता हूं। सब लोग बोलते थे इतने वर्षों से मुकदमे चल रहे हैं, अदालत में कदमताल हो रहा है, मुकदमों की सुनवाई होनी चाहिए। तो आज बूटा सिंह तो है नहीं, अशोक जी भी नहीं, एक भी प्राणी उस काल का जीवित नहीं है। सिंह ने संदेश भिजवाया था हिंदू समाज के मुकदमे कमजोर है। श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए पटना के लाल नारायण सिन्हा उनके सलाहकार हुआ करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर,
उनसे मिलने का संकेत हुआ। अलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस देवकीनंदन अग्रवाल, सिविल के बड़े सीनियर एडवोकेट वीरेंद्र कुमार सिंह चौधरी, ऐसा तीन चार लोगों का ग्रुप नारायण सिन्हा के पास पटना गया था। ये सब कांग्रेस के लोग थे और इन्होंने बैठकर तमाम पुराने समय से चले आ रहे कोर्ट केसेस को स्टडी करके एक नए केस को डेवलप किया। वो नया केस डेवलप होने के बाद अदालत में 1987 में फाइल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उस 1987 के फाइल किए गए केस को अंत तक स्वीकार किया है। माइन्यूट सलाह देने वाला व्यक्ति तो कांग्रेस के पुत्र और एक नए केस की रचना करने वाला व्यक्ति तो लालगढ़ के नाते तो देश में एक अंदर छिपा हुआ भगवान रहता है, लेकिन बाहर की कुछ शायद मजबूरियां रहती है, बंद है। ये मेरा अनुभव है। इसी अनुभव से जुड़ी बात मैं पूछना चाहूंगा कि अंदर की बात कुछ और रहती है, राजनीति ऊपर से बर्ताव कुछ और करती है। एक समय आक्रोश भी था, ये भी कहा गया जब आंदोलन था, मुझे वो पंक्ति नहीं भूलती कि अयोध्या में कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। आपकी कभी मुलायम सिंह जी से कोई बात हुई क्या? ऊपर से जैसे थे, भीतर से भी वैसे ही थे, या वहां पर भी ये राजनीति का दो तरह का चरित्र आपको दिखाई दिया? देखिए, मुलायम सिंह जी ने बोला परिंदा पर नहीं मार सकता। आज वो जीवित नहीं है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री का काम इस तरह की धमकी देना नहीं है। प्रशासन का काम है कड़ाई करना, कड़ाई का संदेश देना। और उस समय के एक बहुत वरिष्ठ आईएएस अफसर ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी को सलाह दी थी कि इस तरह का वक्तव्य आप मत दीजिए, ये काम प्रशासन का है, जिसका है। आपने राजनीति सलाहकार रहते हैं और प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है राजा को केवल कान होते हैं, क्योंकि इतने सब सलाहकार रहते हैं, राजा क्या करे। उसको सलाह दी गई थी तो भी एक दूसरा गुरु रहा होगा जिसके दिमाग में राजनीति ज्यादा रही होगी और वक्तव्य दोहरा दिया परिंदा पर नहीं मार सकता। एक याद आता है पत्रकारों ने मजाक उड़ाते हुए कहा था अशोक जी को, अशोक जी हेलीकॉप्टर से अगर फावड़ा भी गिर जाएगा तो हम मार लेंगे कार सेवा। आदमियों ने झंडा गाड़ा है, हेलीकॉप्टर ने नहीं गाड़ा। लेकिन हाँ, मुलायम सिंह जी जिद्दी थे, वो पीछे नहीं हटे। परंतु मैं मुलायम सिंह जी से अशोक जी के साथ एक अवसर पर प्रत्यक्ष मिला। मुलायम सिंह जी ने अशोक जी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अशोक जी मंदिर मैं ही बनवाऊंगा, मेरे कार्यकाल में ही बने। मैं उस घटना से अच्छी प्रकार चश्मदीद गवाह हूं इस बात का। मनुष्य के अंदर राज्य सत्ता प्राप्त करने की इच्छा और अंदर का विचार द्वंद चलता है, पता नहीं किस समय कौन जीत गया। चंपत जी, आपने एक इतिहास का दबा हुआ ऐसा सत्य आज उद्घाटित किया है जिसके विषय में शायद राजनीति जानेगी तो चौंक जाएगी और समाज देखेगा तो शायद उसे संतुष्टि होगी, हर्ष तो नहीं होगा। मैं एक और दबी हुई कहानी चाहता हूं कि आज इस मंच से आए आपके साथ बात करते हुए, हम सैकड़ों हजारों फोटो लेकर बैठे थे कि जिन फोटो के कैप्शन भी हमें नहीं पता। मैंने कहा इन फोटो के कैप्शन अब कोई नहीं बता सकता, चंपत जी के साथ बैठेंगे। और हमारी वो बैठक 4 घंटे से ज़्यादा चली थी। एक अद्भुत कहानी थी
श्री राम जन्मभूमि का जो स्थान था, जब गुंबद वहां पर बने हुए थे, वो ढांचा बना हुआ था, तो उसके पीछे जो गड्ढा था, उस गड्ढे के भरने की और उससे जुड़ी हुई एक भविष्यवाणी की कहानी जो आपने मुझे सुनाई थी, यदि आपको स्मरण हो, वो मुझे लगता है चमत्कृत कर देने वाली कहानी है। आज मैं चाहूंगा कि इस मंच से, आपके माध्यम से, पूरे देश के सामने वो कहानी आए कि हुआ क्या था। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतना मजबूत ढांचा गिरेगा, और ये कुछ लोग आएंगे और ये मगर बाद में वहां पर मिट्टी भी नहीं मिली, ढांचे की ईंटें भी नहीं मिली। वो कैसा प्रकरण था और किसकी प्रेरणा से हुआ था, कैसे हुआ था, जरा बताएंगे उस घटनाक्रम के बारे में। वो छपा नहीं है कहीं पर भी, आज तक डॉक्यूमेंटेड नहीं है, पहली बार देश के सामने, बताएंगे जरा। कुंभ का अवसर था। साधु संतों ने विचार किया कि अयोध्या में 6 महीने का अनुष्ठान होना चाहिए और देश में जितनी श्रद्धाएं हैं सब श्रद्धाओं के अनुसार होना चाहिए और इसका नामकरण किया गया आवाज बीच में गड़बड़ हुई। सारा नाम, हिंदुस्तान नाम आता क्या दिया था, दोबारा से नाम बताएंगे कृपया। सर्व सर्वदेव अनुष्ठान। सभी प्रकार के देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए मंत्रोच्चार, देश भर के तमाम लोग अनुष्ठान में भाग लेने आते थे। तो कुछ वास्तु शास्त्री आए थे और वो वास्तु शास्त्री आंध्र प्रदेश के, जन्मभूमि पर जहां 3 गुंबद वाला ढांचा खड़ा था उसके ठीक पीछे यानी पश्चिम में लगभग दूर दूर तक 50 फीट गहरा गड्ढा था। वास्तु शास्त्रियों ने कहा ये तो बड़ा अपशकुन है, पश्चिम में गहराई तक गड्ढा और पूरब में ऊंचा। वास्तु कहता है इसका उल्टा होना चाहिए, दक्षिण पश्चिम ऊंचा होना चाहिए, पूर्व और उत्तर नीचा होना चाहिए लेवल में। क्या करें, बहुत विचार के बाद ये हुआ कि भगवान जब वनवास में थे तो लक्ष्मण ने राम की रक्षा की, तो रक्षक थोड़ा ऊंचाई पर बैठता है। तो यहां केशावतार का एक मंदिर बनाया गया और वो दक्षिणी पश्चिमी नैऋत्य कोण में बने, वहां गड्ढा था। तो वास्तु शास्त्रियों से एक नए मंदिर की ड्राइंग बनवाई गई, 40 खंभे पिलर्स, हर 10 फीट पर टाई बीम बने हुए थे 40 के 40, धीरे धीरे नीचे से खड़े किए गए और उस गड्ढे में मट्टी भरनी शुरू की। एक निश्चित लेवल देख लिया गया कि भगवान राम किस आसन पर कितनी ऊंचाई पर विराजित होंगे, अबाउट 80 लेवल से थोड़ा ऊंचा लेवल तक शेषावतार मंदिर के स्थान को ऊंचा किया गया। निर्धारित तिथि से पहले वो टारगेट प्राप्त कर लिया। अब क्या करें, समय नहीं था। एक टीम की प्लेट पर एक पेंटिंग कराई गई और पेंटिंग ऊपर रखकर बालू की बोरियों से सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़े और आरती उतारी गई। ये घटना है नवंबर का अंतिम काल। जनता रोज आ रही थी अनगिनत, जनता का जो प्रवेश था उसने हमारी सारी व्यवस्थाओं को चरमरा दिया।
हो गया। यह अद्भुत, आज भी वो स्थान सुरक्षित है और वहां शेष अवतार मंदिर बनेगा। बिल्कुल, ये उस मंदिर के लिए शेषनाग का स्थान ऊंचा किया गया। पहली बार में जब मैंने ये कहानी सुनी मुझे भरोसा नहीं हुआ, मगर आज भी वो स्थान है। मैं देख कर आया अयोध्या तो मुझे लगा कि चंपत जी ने जो बात बताई है वो चमत्कृत कर देने वाली है। मैं उस समय की बहुत हमारी बातचीत में ऐसी छोटी छोटी कहानियां निकली। एक आपने अशोक सिंघल जी का बताया था, कैसे अस्थियों के नाम पर मोटरसाइकिल पर शायद बैठकर निकले थे। वो प्रकरण जरा थोड़ा सा एक बार ताजा कर देंगे तो मुझे लगता है कि जब पुलिस का सारा पहरा था और अशोक जी कैसे आए थे। परिंदा पर नहीं मार सकता। अयोध्या में प्रवेश करने के लिए 6 दिशाओं से सड़कें आती हैं। एक दिशा लखनऊ, दूसरी दिशा रायबरेली, तीसरी दिशा प्रयागराज, चौथी दिशा वाराणसी, पांचवी दिशा गोरखपुर और छठी दिशा है बहराइच और गोंडा। अयोध्या से 200 किलोमीटर दूर तक तीन तीन चार चार स्थानों पर बैरिकेडिंग चेकिंग, सब ट्रेनों में चेकिंग हो गया। अशोक जी को अंदर नहीं घुसाएंगे और जनता प्रवेश कर गई, लीडर को तो पहले जाना चाहिए। आज की वर्तमान पीढ़ी के श्रोताओं को मैं बहुत हाथ जोड़कर बताऊंगा, अशोक जी आत्मोत्सर्ग के लिए सदैव तैयार है। जनता समाज का आह्वान करना और खुद पीछे रहना ये अशोक जी के स्वभाव का हिस्सा ही नहीं था। अशोक जी सबसे आगे खड़े रहकर पीछे जनता को चलाते थे, उसमें आत्मोत्सर्ग ये उनकी प्रकृति का हिस्सा था। वो कैसे अयोध्या में आया जाए, वो प्रयागराज आए। कैसे आए, अशोक जी आवश्यकता पड़ने पर जनरल डिब्बे में बैठकर आते थे, मेरे साथ गए। जनरल डिब्बे में बैठकर मेरे साथ चले हैं कम से कम 200 किलोमीटर। अशोक जी प्रयागराज पहुंच गए, एक छोटी सी गाड़ी से बैठकर और आगे आ गए। सुल्तानपुर में रामदयाल नाम के व्यक्ति थे, वो वहां जिला प्रचारक थे। उनका परिवार आज अयोध्या में रहता है, रामदयाल जीवित नहीं है। एक कार्यकर्ता वही सुल्तानपुर के बगल के थे, तम पांडे, मुझे नहीं मालूम आज वो जीवित है कि नहीं। रामदयाल जी ने मोटरसाइकिल चलाई, अशोक जी पीछे बैठ गए। आज अयोध्या में जो बाईपास है का मार्किंग हो गया था कि यहां बाईपास बनेगा, मट्टी डालनी शुरू कर दी थी। मट्टी नई सड़क बनाने के लिए डाली जा रही है, तो बगल में सर्विस रोड बनती है। जगह जगह पुलिस थी, पुलिस ने चेक किया तो बड़े लाचार होकर बोलते थे, ऐसे ऐसे मेरे घर में हो गया है और मैं उनकी अस्थियां प्रवाहित करने जा रहा हूं। सिपाही के ऊपर तो भगवान बैठ जाता था वो सिपाही। इस प्रकार 3 दिन पहले अशोक जी अयोध्या में प्रवेश कर गए। 100 किलोमीटर आगे जाते थे अशोक जी, 100 किलोमीटर पीछे की दुर्घटना में आती थी अखबार। अशोक जी ने अमुक कस्बा पार कर लिया, अशोक जी तो उससे बहुत दूर आगे निकल चुके हैं। 3 दिन तक अशोक जी जिस मकान में रहे, वो भवन, वो मंदिर, वो आश्रम आज भी है। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि 1990 की यह घटना है, 1992 में ढांचा गिर जाने के बाद जब पुलिस ने उनको अरेस्ट
किया, तब आईजी पुलिस समझ पाए कि अशोक जी किस मकान में ठहरे। और इस प्रकार एक जीवित व्यक्ति अपने परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसकी अस्थियां लेकर जा रहा हूं, ऐसा कहने के लिए बल नहीं चाहिए, आध्यात्मिक बल चाहिए। तो यह घटना है। आज चंपत जी हम लोग गुजरात में साबरमती के किनारे बैठे हैं। इसी गुजरात में गोधरा है। अयोध्या जी में भी कारसेवकों का बलिदान हुआ। इस गुजरात, गोधरा और अयोध्या, इसे आप कैसे स्मरण करते हैं, उस आंदोलन को कैसे देखते हैं, गुजरात की उस घटना को कैसे याद करते हैं? केवल अशोक जी के शब्दों को दोहराऊंगा। अशोक जी के मन में विचार आया, हिंदुस्तान के लाखों व्यक्तियों को राम जयराम जय जय राम का विजय मंत्र 13 बार जपना चाहिए। ये विजय मंत्र समर्थ गुरु रामदास स्वामी का है। उन्होंने शायद 13 करोड़ बार इस मंत्र का उच्चारण किया था। अशोक जी ने कहा, इस देश के कागज के ऊपर भौगोलिक इकाइयां बनाओ और एक एक इकाई में 13 करोड़ मंत्रों का उच्चारण करो। यह घटना 2001 की है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय संघचालक आदरणीय मोहन जी भागवत 2001 में इस कार्यक्रम के प्रारंभ पर अयोध्या, और हमने उनको एक तुलसी की माला भेंट की। मोहन जी ने स्वयं माला से श्रीराम जय राम जय जय राम जप का प्रारंभ किया था। एक अवधि तय की गई थी, उस अवधि में देश के अंदर लाखों लोगों ने उस मंत्र के द्वारा शक्तियां अर्जित की। और ये गोधरा की घटना 2002 की। उसके बाद अयोध्या में 60 दिन का एक अनुष्ठान तय हुआ। उस अनुष्ठान को शुरू हुए 2 दिन मात्र हुए थे, 2 दिन या 3 दिन। गुजरात के लोग अयोध्या से वापस जा रहे थे साबरमती से, गोधरा के रेलवे स्टेशन पर एक दुर्घटना हो गई। ये प्रतिक्रिया अरे गुजरात में किस प्रकार हुई की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, वो पीढ़ी अभी जिंदा है। अशोक जी ने कहा था, ये श्रीराम जय राम जय जय राम मंत्र की शक्ति का परिणाम है कि एक मंत्र ने सारा हिंदुस्तान हिला दिया। ये गोधरा साबरमती ट्रेन और अयोध्या श्रीराम जयराम जय जय राम मंत्र का परिणाम, ऐसा अशोक जी बार बार कहते। आज जब हम यहाँ आए हैं तो संयोग है कि ये राम मंदिर से जुड़ा हुआ सत्र भी है। और गोधरा की घटना को मैंने इसलिए भी उल्लेख किया कि पांचजन्य की टीम को यहाँ जनक भाई पंचाल से मिलने का संयोग से मौका मिला। जनक भाई पंचाल वो व्यक्ति हैं जो S6 उस बोगी में थे और 58 जले हुए शवों के बीच वो जीवित बचे। उनके भाई खुद इसमें उनके प्राण भी गए। एक महिला का उन्होंने ब्यौरा दिया, दोनों हाथों में 2 बच्चे, गर्भवती महिला, और इतना जल चुका है कि जो पेट में बच्चा है उसका मस्तक, उसका सिर दिखाई दे रहा है। आज तक वो सदमे से उबर नहीं पाए हैं, उन्हें संभालना पड़ता है जब बात करते हैं। तो देश में कुछ लोगों ने गोधरा के घटनाक्रम को कैसे प्रस्तुत किया और उसकी वास्तविक कहानियां कैसी हैं, मुझे लगता है कि
ये अगले चरण में उसमें जाने का भी, उस अन्वेषण का भी मौका है। मैं मंदिर से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कार सेवकों का जो बलिदान है, अभी जो मंदिर बन रहा है उसमें इस बलिदान को भी स्मरण रखने का कुछ व्यवस्था है, कुछ ऐसी चीज सोची गई है? कार सेवकों के बलिदान को हम कैसे स्मरण करेंगे? कोठारी बंधु थे, बाकी गोधरा का था, काफी सारे नाम है। संवेदनशील विषय है, भुगतान की तो अनाधिकार से परंपरा ये रही कुर्बानियां देने की, जिसको हम जानते हैं वो चित्तौड़ का जौहर है, ये तो भारत की खून का हिस्सा है। भारत में सैनिक बलिदान देते हैं, उनका बलिदान देश की तो सेना यथाशक्ति कुछ नाम लिखती है और एक कोई ना कोई एक स्मारक खड़ा करती है। दिल्ली में किया है पुलिस स्मारक, मैं रामेश्वरम के आगे धनुषकोटि गया, अभी सारी ट्रेन समुद्र में समा रही थी, स्मारक खड़ा है। ऐसा कुछ ना कुछ अवश्य होगा, अवश्य होगा जी। समाज कलकत्ता के दो सगे भाइयों को जानता है, उनको बड़ी निर्दयता के साथ मारा गया था, एक को मारा गया था, दूसरा कूद पड़ा तो भी मारा गया। लेकिन राजस्थान के दो लोग प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा, वो नेतृत्व करते हुए दिगंबर अखाड़े की ओर से आगे जा रहे थे, उसको कप्तान ने सीने पर गोली लगी, उनके साथ एक छोटा सा नौजवान लड़का था, शायद नई नई शादी हो चुकी थी, मूर्ति लगाई गांव में, उसका बालक आज 30-32 साल का होगा, मरा। अयोध्या वासुदेव गुप्ता, राजेंद्र धरकार, तो ये बहुत नाम है, यथाशक्ति कितने नाम लिखे जाएंगे, जिनके फोटो आएंगे, ये होगा। इतना ही कृतज्ञता हो सकती है शेष, तो मैं यही फिर दोहराऊंगा, हिंदुस्तान बलिदान की परंपराओं का भारत है। चंपत जी, एक चीज, कुछ लोगों ने ये कहा कि राम मंदिर का मुद्दा पुराना हो गया है, अब जनता को वो जुड़ाव, वो आध्यात्मिकता, वो भावनात्मकता, वो आलोड़न पैदा नहीं करता। मुझे शिला पूजन का समय भी याद है, और अभी निधि समर्पण का भी एक अभियान था। आप दोनों के बीच में आपको कैसा लगता है, ये श्रद्धा कैसी है, राम इस राष्ट्र के लिए क्या स्थान रखते हैं, क्या समय से ये इस पर आपको अंतर दिखाई दिया या कुछ तस्वीर अलग थी, वो हम समझना चाहेंगे। ये निधि समर्पण अभियान के लिए क्या कुछ लोगों को लगा था पहले बहुत बड़ा मंदिर है तो इस इतनी राशि कैसे आएगी, और फिर समाज से प्रतिसाद कैसा मिला? अग्नि के ऊपर कई बार राख पड़ जाती है, हिंदू समाज ऐसा ही है, राख हटाते रहो तो अग्नि अपने स्वरूप में आ जाती। राख पड़ी थी राम जन्मभूमि, जैसे जैसे गांव में पहुंचती चली गई, राख रखती गई, हमको लगता है कि वो अमुक समय में जागरण बहुत था, अब कम है,
जानी है जागरण उत्तर उत्तर। आखिर 1992 में कितने लाख लोग सत्यजीत अयोध्या आए कोई गणना नहीं है, लेकिन बड़ा ऐसा जन आंदोलन हुआ नहीं। और 92 के बाद 2019 इतने वर्षों की अदालती प्रक्रिया, तो देश में संभ्रम, अंधेरा, अविश्वास भी पैदा हो रहा है। तो मैं कैसे कहूं कि मेरे मन में कोई अविश्वास नहीं। जो वकीलों की टोली काम कर रही थी वो प्रबल विश्वास से भरी थी कि रामलला ही जीते। जिसके मन में संभ्रम पैदा हो जाता है उसका उत्साह भी भंग हो जाता है और समाज में अंदर की भावनाएं बाहर प्रकट होने का अवसर नहीं मिला। और ये जो निधि समर्पण अभियान था इसने वो अवसर दे दिया। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं, मैं सोचता था अगर 1,000 करोड़ रुपया भी आ गया तो मान लेंगे बहुत बड़ी राशि आ गई। मुझे ये सूचना देते हुए बड़ा संतोष है, इस देश के कम से कम 10 करोड़ से भी अधिक लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। मैं कंट्रीब्यूट शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, समर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मांगा नहीं गया, कम से कम 10 रुपए का समर्पण करना था। भिखारियों ने दिया है, सड़क पर बैठकर मजदूरी करने वाले व्यक्तियों ने दिया है, घर के अंदर पति की शव पड़ा है, महिला बाहर निकलकर आई शाम को मेरे से लेकर जाना। मैं नहीं समझता किसी मंदिर को जिसने देखा ही नहीं तब बनेगा मालूम नहीं, कैसा बनेगा मालूम नहीं। समाज के अंदर एक कुमंगर उत्साह पैदा हो गया। इतना धन आया ये यहां मैं क्या बताऊं, लेकिन 10 करोड़ से भी अधिक लोगों का कंट्रीब्यूशन है। इसलिए मैं कहता हूं ये मंदिर ये राष्ट्र का मंदिर है, ये व्यक्ति और व्यक्ति समूह का नहीं है। कम से कम 5 लाख गांव, मोहल्ले, कॉलोनी, बड़े बड़े शहरों के टावर का करती हुई, तो कोई भाषा नहीं बची, कोई जाति नहीं बची, शिक्षा अशिक्षा, नगर ग्राम पर्वत समुद्रवासी कुछ बचा नहीं, कोई व्यापार नहीं बचा। जी किसी ने देखा नहीं क्या बनने वाला है। जी कहते हैं कि जैसे राम जी की, जी आपने मेरे अंतिम प्रश्न से इसे जोड़ दिया, हम कहते हैं सब राम की माया है, तो ये थोड़ी सी माया जोड़नी थी, वो भी राम जी की माया है कि ये इतना बड़ा काम कैसे हुआ। आपने कहा ये राष्ट्र का मंदिर है, मैं अंत में अंतिम प्रश्न है, इसके दो भाग हैं। अभी अयोध्या जी में आने वालों की संख्या, भक्तों की संख्या, श्रद्धालु दर्शनार्थियों की संख्या, वो प्रतिदिन बढ़ रही है, आधारभूत ढांचा अभी पुराना है, ये संख्या किस तरह से बढ़ रही है, उसका प्रबंधन कैसे होगा, और आने वाले दिनों में ये जो पूरा एक दिख रहा है, पूरा क्षेत्र विकसित होता हुआ दिख रहा है, और इतनी संख्या को कैसे संभालेंगे। दूसरा आपने कहा राष्ट्र मंदिर है, तो इस राष्ट्र मंदिर की संकल्पना कैसी है, और इसका फैलाव एक तो भौगोलिक है मगर इसका जुड़ाव वैश्विक कैसे होगा, इसे आप कैसे देखते हैं, दोनों तीनों चीजें मैं जानना चाहूंगा। अतिशोक्ति ना माना जाए, ये ग्राउंड रियलिटी। मैं अयोध्या
1986 से आता रहा हूँ और यही मेरा जीवन बीता है 31 साल। मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या 20 साल पहले क्या थी, 20 साल पहले क्या थी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद क्या थी, ये पुलिस के पास सब रिकॉर्ड है। आज औसत 20 से 25 हजार आदमी नॉन फेस्टिवल डेज में आ रहे हैं। अब त्योहारों में तो आते ही है, अयोध्या में भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, 2-3 दिन के लिए 10 से 15 लाख आदमी आते ही हैं, श्रावण मास में भगवान को झूला झुलाया जाता है, वो भी रक्षाबंधन के 3-4 दिन पहले 10-15 लाख आदमी आते हैं वर्षा काल में, वाल्मीकि जयंती या गुरु नानक जयंती या गंगा स्नान देवोत्थानी एकादशी पर यहाँ लाखों की संख्या में समाज आता है। मैं एक और तिथि का उल्लेख कर रहा हूं, मैंने आज पुलिस के बहुत सीनियर अफसर से कहा 1 जनवरी हिंदुस्तान में कौन सा त्योहार है, 1 जनवरी को नौजवान और मध्यम आयु के लोग कहां घूमने जाते, 1 जनवरी 2021 और 1 जनवरी 2022 1 लाख से भी अधिक वैवाहिक जोड़ों ने नौजवानों ने भगवान के दर्शन अयोध्या में किए हैं। ये क्या संकेत करता है, अयोध्या में आज पैदल चलना मुश्किल हो रहा है, आज सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जा रही, हजारों दुकानें स्थापित होंगी, स्थानांतरित होंगी, हटेंगी, स्थापित होंगी, कल्पना ये हो रही है मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के साथ नॉन फेस्टिवल डेज 50,000 आदमी आएगा, फेस्टिवल डेज में 2 लाख लोग व्यक्ति प्रतिदिन आएंगे, इसी हिसाब से हम क्राउड मैनेजमेंट दर्शन करने का क्यू सिस्टम विचार कर रहे हैं और सब प्रकार की सुव्यवस्था बनी रहे, यहां पर सीआरपी उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश की आर्म्ड पुलिस जिसको पीएसी कहते हैं, ये ऑलरेडी यहां पर रहती है, लेकिन ये ऑलरेडी यहां पर रहती है, लेकिन भविष्य में इस संपूर्ण मैनेजमेंट के लिए सीआईएसएफ को कहा गया कि इतना बड़ा क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम कैसे होगा और सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होगी, इस सरकार भी सोच रही है और हम तो देख रहे हैं। मैं भारत सरकार के रेल मंत्रालय के प्रति मस्तक नमन करता हूं, कितने वर्ष पहले से आकलन कर दिया कि अयोध्या का रेलवे स्टेशन बहुत छोटा है, आज केवल 2 ट्रैक हैं, ट्रैक बढ़ाएंगे तो प्लेटफॉर्म पड़ेंगे, जनता आएगी तो उसके लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग चाहिए, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनकर तैयार होगी, जब वो लोकार्पित होगी तो लोग उस बिल्डिंग को देखकर आश्चर्य करेंगे, इतने छोटे से कस्बे में इतना विशाल, हवाई अड्डे का निर्माण अंतरराष्ट्रीय स्तर का संभावित है कि 4 से 6 महीने में उड़ान शुरू हो जाएगी, अयोध्या की चारों दिशाओं की 6 सड़कें 4 लेन, अयोध्या का 8 का बाईपास 6 लेन, 1500 एकड़ जमीन में नई अयोध्या की परिकल्पना। मैं यहां के जनप्रतिनिधियों से कुछ
देश के अर्थशास्त्री जब जीडीपी निकालते हैं तो उसमें ये तीर्थ स्थानों का पैसे का मूवमेंट ये सम्मिलित रहता है क्या? अगर तीर्थ यात्रियों का देश भर का मूवमेंट हमारी इकोनॉमी का हिस्सा बन जाए तो दुनिया में कैसी कितनी बड़ी इकोनॉमी होगी, ये भविष्य में हमको दिख रहा है। आज अभी तो मंदिर बन ही रहा है, हिंदुस्तान का हर राज्य यहाँ पर प्रतिदिन देखिए मलयाली भाषी को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं, यही मिलेगा। इसलिए सरकार सोच रही है देश के सभी राज्यों की धर्मशालाएं यहाँ पर बने, संबंधित राज्य अपनी भाषा के अनुसार यहाँ अपने स्थान खड़े करें। अयोध्या वैष्णवों की है, दक्षिण भारत के सन्यासियों ने यहाँ जमीन खोजना शुरू कर दिया है, वो अपना मठ बनाना चाहते हैं। ये तो आज की दिशा है, ये राष्ट्र का मंदिर। अरे हिंदुस्तान का सम्मान राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण से दुनिया में रहने वाले हिंदुओं का उन देशों में इज्जत बढ़ी है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू समाज में आत्मविश्वास पैदा हुआ है। 1528 में हिंदुस्तान का जो मस्तक नीचा हुआ था, हमने उस अपमान का परिमार्जन करके हिंदुस्तान का मस्तक ऊंचा हुआ है। इसका नाम है राष्ट्र के गौरव का मंदिर, इसका नाम है राष्ट्र का मंदिर। चंपत जी, आपने जो आंकड़े जी आपने जो आंकड़े रखे उसने अंतिम प्रश्न था, मगर एक उत्सुकता निर्माण और किया, मैं उसके साथ विषय पूरा करूंगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर और छहों दिशाओं से जो अयोध्या से जुड़ते हुए रास्ते हैं उन पर जो कार्य चल रहा है, हवाई अड्डे का काम है, रेलवे का काम है, बड़ी धर्मशालाओं का काम है, बड़े भवन है। मैं स्वयं मंदिर की बात करता हूँ, पहले प्लॉट छोटा था, बाद में बड़ा हुआ, और सरयू के किनारे बालुई धसकती हुई जमीन है। इस चुनौती को, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सारा कुछ होगा, मगर वो जो मंदिर इतना भव्य है उसके निर्माण को स्थायित्व देने के लिए कि क्या वो तात्कालिक जैसे मंदिर बनते ऐसा ही है या सदियों तक रहेगा, उसके लिए कुछ विशेष प्रयत्न हुए हैं तो, और कोई चुनौती आई तो उससे कैसे निपटा गया, इसके साथ में चाहूंगा कि आप इससे थोड़ा सा बताएं। देखिए मैं तो इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन अशोक जी के मुंह से सुनता था 1000 साल, अभी यही बोलता था 1000 साल। अब 1000 साल का क्या अर्थ है? तो मंदिर पत्थर का बनेगा, पत्थर पर हवा पानी का असर पड़ेगा तो पत्थर धीरे धीरे क्षरण होगा, टिके होगा, तो 1000 साल तक वो टिके नहीं होगा। अगली बात आई, हर चीज 1000 साल का विचार करके होनी चाहिए। जब रचना शुरू हुई पहली बात आई फाउंडेशन, अब आज बड़ी बड़ी भवनों की फाउंडेशन बनती है,
की आयु सुनिश्चित कर। अब मैं आता हूं चुनौती। यहां एक चुनौती है मंदिर की पश्चिम दिशा में सरयू का प्रवाह, वो भी 500 मीटर की दूरी पर। उसी नदी में बाढ़ आ गई, बिहार में प्रलय हो गई, आकाश को गुस्सा आ गया तो केदारनाथ में प्रलय हो गई। तो यहां भी कभी सरयू महारानी नाराज हो सकती है। दूसरी बात, अत्यधिक वर्षा के कारण मट्टी का कटान ढलान की ओर जाए, और ढलान है पश्चिम की ओर, गड्ढा है, लोअर लेवल है। पूर्व दिशा की सड़क और पश्चिम दिशा की सड़क में 10 मीटर का लेवल का डिफरेंस। पश्चिम दिशा की सड़क पूर्व से 10 मीटर लोअर लेवल पर पक्की बह जाएगी। इन दोनों बातों की चिंता इंजीनियर्स को हुई, और इसलिए दक्षिण, पश्चिम और उत्तर इन तीन दिशाओं में बहुत गहराई से रिटेनिंग वॉल का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। जैसे बाढ़ बनते हैं, अयोध्या में सरयू का लेवल 91 माना जाता है जून के महीने, 91 मीटर अबाउ सी लेवल। रिटेनिंग वॉल 93 मीटर अबाउ सी लेवल, और उसका बॉटम 12 मीटर चौड़ा बनाया गया है। ये रिटेनिंग वॉल सरयू नदी के आक्रमण को रोकने में सहायक बनेगी और भीतर की मट्टी के कटान को रोकने में भी सहायक बनेगी। वैसे तो प्रकृति की सभी चुनौतियों का उत्तर आदमी के पास नहीं है, तो भी जितनी बुद्धि गई इंजीनियरिंग सिस्टम ने के उपाय किए हैं। कैश हरी इच्छा। बहुत इतिहास की कड़ियों को जोड़ने वाला, नई कहानियों को सामने रखने वाला, और जो भविष्य के ब्यौरे हैं उनसे चमत्कृत करने वाला आपका ये उद्बोधन मुझे लगता है पांचजन्य के पाठकों तक हम पहुंचाएंगे। अभी दर्शकों को तो इससे आनंद हुआ ही होगा। कैसे मैं आपका धन्यवाद करूं, क्योंकि मुझे मालूम है अभी 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी अयोध्या जी आने वाले हैं, और उसके चलते आपकी व्यस्तता वहाँ पर है, तीर्थ क्षेत्र की से जुड़ी हुई कुछ बैठकें भी होंगी, और आपने इस सब व्यस्तता में से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने का भी समय निकाल पाए, ये बहुत बड़ी बात है। आज यहाँ पर नहीं है मंच पर, मैं शीघ्र ही अपनी टीम के साथ आपसे मिलने आपका धन्यवाद औपचारिक तौर पर ज्ञापित करने, हालांकि पांचजन्य के साथ आपके संबंध बिल्कुल औपचारिक नहीं है, मैं अयोध्या जी आऊंगा आपके पास और आपका आशीर्वाद लूंगा। धन्यवाद चंपत जी। मैं आप सबको, श्रोताओं को,